एक 500 रुपए के नोट और 50 पैसे के कॉइन के बीच में एक चर्चा हो रही थी। 500 रुपए के नोट ने कहा, मेरी यात्रा बड़ी अद्भुत रही। पहले मैं ये 5-स्टार होटल में था, फिर ये करोड़पति के जेब में गया, फिर प्रधानमंत्री के जेब में गया, राष्ट्रपति के जेब में गया, और फिर मैं खरबपति के जेब में गया, और इस प्रकार मैं एक करोड़पति से दूसरे करोड़पति के बीच ही यात्रा कर रहा हूँ। आपकी यात्रा कैसी रही? और चवन्नी ने उत्तर दिया कि मेरी परिस्थिति तो बड़ी अद्भुत रही। भले मैं इतने बड़े बड़े करोड़पतियों का संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन सिद्धिविनायक मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, काली माता का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, जितने तीर्थ स्थल हैं वहाँ भ्रमण कर करके मैं कृतार्थ हो गया। तो हम लोग जब कोई मंदिरों में जाते हैं और वहाँ पर हुंडी में कोई दक्षिणा देते हैं, तो समझना चाहिए उसके पीछे मूल कारण क्या है। ये नहीं कि हम लोग कुछ दे रहे हैं ये सोचकर कि भगवान तू भी क्या याद रखेगा, नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान से प्राप्त हो रहा है, हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता की भावना है, और उस कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम उनके सामने बड़े प्रेम से विनम्रता पूर्वक अपनी आहुति को समर्पित करते हैं। तो वास्तव में उस कार्य के पीछे हमारी सोच महत्वपूर्ण है, और उस सोच के आधार पर हमारी चित्तवृत्ति की शुद्धि हो सकती है। अन्यथा समझना चाहिए, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद के चरणों में हम बारंबार समर्पित होते हैं, जिनके चरणों का पाद संवाहन निरंतर लक्ष्मी देवी कर रही हैं। लक्ष्मी देवी उनका पाद संवाहन करते करते अपने जीवन को कृतार्थ मानती हैं, क्योंकि वह समझती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य केवल धन प्राप्ति नहीं लेकिन सेवा प्राप्ति है, और इसीलिए समस्त धन की स्वामिनी लक्ष्मी देवी निरंतर भगवान के चरणों का सम्मान करती है। आइए हम भी अपने जीवन में उस सेवा के अवसर को प्रधान माने, और उस सेवा के अवसर को प्राप्त करके भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने मन की भावनाओं को आहुति और समर्पण के माध्यम से उस कुंडी में दक्षिणा देते समय इस बात को स्मरण रखें कि ये मेरा सौभाग्य है, और उस सौभाग्य को मैं कृतज्ञता पूर्वक इस धन राशि के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं।